Hey everyone, hello and welcome to my channel Sushmita Mommy Chef. What are you all doing now? Well, I am trying to do something for my sons and for us also. A dry fruits paratha. Yes, it is a dry fruits paratha. इसको authentically तो श्रीमल बोलते हैं, पर मैं वो authentic श्रीमल नहीं बनाऊंगी, मैं ये घर वाला श्रीमल बनाऊंगी जिसमें श्रीमल के नाम पर मैं बच्चों को खूब सारा ड्राई फ्रूट्स खिलाऊंगी और वो भी घी के साथ. उसको हम बनाएंगे बच्चों के लिए, घी के साथ बना लेंगे, हम ऑयल के साथ मैनेज करेंगे. बट देन अगेन थोड़ा सा घी तो खाना चाहिए. इट इज़ अ वेरी गुड फैट दैट वी शुड इंक्लूड इन आवर डाइट. तो आज हम बनाएंगे एक घर वाला श्रीमल का रेसिपी. तो हियर इज अ मॉमी शेफ. दिस मॉमी शेफ नेम हैज़ बीन गिवन बाय माई सन. वो जब मैं कुछ अच्छा अच्छा बना के उसको खिलाती थी तो वो बोलता था, ओ मेरा मम्मा शेफ, मेरा मॉमी शेफ ये बना के दे रही है तो बहुत अच्छा है. सो दिस नेम आई गॉट फ्रॉम हिम. सो दैट्स वाई आई हैव यूज्ड दिस नेम एज माई चैनल्स नेम. अदरवाइज आई एम प्योरली अ फूड लवर. सो द सुष्मिता द फूड लवर, दैट टैग लाइन, दैट पंच लाइन और दैट नेम सूट्स मी मोस्ट. बट देन मेरा बच्चा हमेशा मुझे मॉमी शेफ बुलाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे यूट्यूब चैनल का नेम सुष्मिता और मॉमी शेफ रखना चाहिए, तो उसी से ये नाम पड़ा. तो एनीवेज ये कहानी को यहीं पर रखकर हम चलिए बनाते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा डिश. हम बनाएंगे मल्टीग्रेन आटा से घर वाला श्रीमल. मैंने क्या किया है, मैंने एक आटा लगा के रखा है, आपको दिखाती हूँ. मैंने एक आटा लगा के रखा है, दिस इज मल्टीग्रेन आटा. इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और एक टेबलस्पून जितना सूजी डाला है, ठीक है. और उसको नॉर्मल वाटर देकर अच्छे से नीड करके एक डो बना के उसके ऊपर ऑयल ब्रश करके मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था, ठीक है. तो ये है. और उसके अलावा मैंने जो नेक्स्ट तैयारी कर रखी है वो है ड्राई फ्रूट्स. ओके, मैं खूब सारा ड्राई फ्रूट्स ली हूँ जो मेरे घर में था. आपके घर में जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं. पंपकिन सीड्स था बट समहाउ वो ख़त्म हो गया है, उसको इंक्लूड करने से भी बहुत अच्छा लगता है. बट एट प्रेजेंट मैं ले रही हूँ थोड़ा सा कैश्यूज, थोड़ा सा आमंड्स, थोड़ा सा वाटरमेलन सीड्स, थोड़ा सा पिस्ता एंड सम किशमिश, ठीक है. इतना ले रही हूँ. एंड वी विल डू दिस ड्राई फ्रूट्स पराठा यूजिंग घी. ओके, एंड उसके ऊपर जब ड्राई फ्रूट्स लगा के हम बेल लेंगे ना, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऐसा शुगर का ऐसे जस्ट थोड़ा सा स्प्रिंकल आउट कर दूंगी, सो दैट थोड़ा थोड़ा मीठा लगने लगेगा तो बच्चे लोग खा लेंगे. और वो जैसे ही हम उसको रोस्ट टोस्ट करेंगे तो वो थोड़ा सा कैरामलाइज हो जाएगा. सो जस्ट टू लियर द किड्स, थोड़ा सा ब्राउन शुगर ऊपर से उसको मैं स्प्रिंकल करूँगी. ओके, एंड दिस पराठा वोंट बी बिग पराठास, इट विल बी वेरी स्मॉल पराठास. एंड यू कैन यूज अ कुकी कटर और एनी कटर टू गिव अ नाइस शेप टू इट. सो आई विल बी ऑल्सो गिविंग सम राउंड शेप्स और आई विल ट्राई टू गिव सम हार्ड शेप्स. और कुछ शेप्स बना के बच्चों को अगर हम खाने के लिए दें तो वो लोग और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं. जब प्लेट में कलरफुल चीज़ें या ऐसे शेप्स वाले चीज़ें देखते हैं तो किड्स गेट इंटरेस्टेड टू ईट. सो दैट्स वाई हमेशा दिस इज़ अ टिप फॉर द मॉम्स ऑल्सो, स्पेशली फॉर दोज मॉम्स जिनके बच्चे फंसे हैं. तो उनके लिए ये टिप है कि आप लोग प्लेट को जितना कलरफुल बना सके खाने से बनाइए. इवन यू कैन यूज कलरफुल प्लेट्स, कांच का हो प्लेट्स जो कलरफुल है वो सब यूज़ करिए बच्चों को खाना देने के लिए, तो बच्चे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं खाने के लिए. एंड ट्राई टू मेक वेराइटीज़ ऑफ थिंग्स और उस वेराइटीज़ ऑफ थिंग्स के अंदर यू ट्राई टू स्नीक इन द गुड न्यूट्रिशियस थिंग्स विच आर गुड फॉर आवर किड्स. ओके, सो विद दिस टिप एंड विद दिस थॉट लेट्स स्टार्ट घर वाला श्रीमल. चलिए देखिए क्या करते हैं हम. टेक माई डो एंड आई विल डिवाइड इट इन टू small portions. okay, I'll divide it into small portions. okay, divide it into small portions and then एक ही portion रखिए, बाकी सारा portion को cover and keep it so that they don't become dry. ओके, आई विल जस्ट कवर इट अप डो. ओके,
और उसको मैं रोल आउट करूँगी. नॉट वेरी थिक, नॉट वेरी थिन. दिस इज मल्टीग्रेन आटा, आप कोई भी आटा यूज़ कर सकते हैं, बट आई प्रिफर टू मिक्स ऑल टाइप्स ऑफ आटा. ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मल्टीग्रेन खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही नॉर्मल चक्की वाला आटा खा रहे हैं. नाउ विल गिव दिस अ नाइस राउंड शेप. यू कैन यूज अ कुकी कटर ऑल्सो. ओके डन. सो दिस गेट्स अ शेप नाउ. अभी मैं फिर से आई विल अरेंज द रैंडमली. यू कैन अरेंज रैंडमली द ड्राई फ्रूट्स, सम काजू, सम आमंड्स, सम वाटरमेलन सीड्स, ओके, सम किशमिश, ओके, एंड सम पिस्ता. ओके, और इसको हम हल्के हाथों से, अभी हल्के हाथों से, जस्ट सो दैट हमारा ड्राई फ्रूट्स एनग्रेव हो जाए, उतना ही, और कुछ नहीं करना. डन. नाउ अगेन आवर तवा इज हॉट इनफ. स्लोली हमको ऐसा उठाना है. ओके, एंड आई पुट दिस ऑन द तवा. पहले थोड़ा सेकेंगे, उसके बाद शुगर डालेंगे, सो दैट कच्चापन नहीं रहे. और देखिए, ऐसे क्यूट क्यूट छोटे छोटे पराठे हों तो बच्चे खा लेते हैं. दे फील वेरी अट्रैक्टेड टू क्यूट थिंग्स लाइक वी ऑल्सो डू, है कि नहीं? हमें भी अच्छे स्वीट स्वीट थिंग्स बहुत पसंद है, क्यूट छोटे वाले मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं. तो ऐसे बस केयरफुली उसको पलटा दीजिए. फ्लेम को सिम कर दिया है मैंने. ओके, अभी थोड़ा सा प्रेस करके सेक देती हूँ. डन. नेक्स्ट थोड़ा सा घी. ओके, केयरफुली फ्लिप इट. Yes, some more ghee from this side also. जो हमारा ऑथेंटिक श्रीमल मिलता है उसमें तो वो श्रीमल कुक होने के बाद उसको पूरा घी में डुबो के ही निकालते हैं, आप लोगों को भी मालूम होगा. वेल, हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते घर पे, बट कैसे भी हम लोगों बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाना है तो दिस इज ऑल्सो अ क्यूट एंड स्वीट वे ऑफ फीडिंग ड्राई फ्रूट्स. ओके, नाउ सम नीड नॉट फ्लिप. हाँ, अगर आप चाहें तो फ्लिप कर सकते हैं, नहीं तो भी आप गर्म में ये डाल रहे हैं ना चीनी, तो दिस विल ऑटोमेटिकली वो गर्म से घुल जाएगी. डन. मेरा किशमिश इधर आ गया, नो प्रॉब्लम, मैं फिर रख देती हूँ उसको. ओके, सो आवर अनदर ड्राई फ्रूट्स छोटा पराठा इज रेडी. ओके, ऐसे में, ओके, ऐसे में और छोटे छोटे पराठे बना देती हूँ. सो देखिए, मैंने छोटे छोटे दो दो पराठे डाल दिए हैं और उन्हें बहुत ही स्लो फ्लेम पे मैं सेक रही हूँ. यहाँ पर दो ऑलरेडी बन के तैयार हैं, इसको अब मैं बस बच्चों को सर्व कर दूँगी. ये और दो बनने के बाद इसको हम स्लोली फ्लिप करेंगे और ऐसे प्रेस करते हुए इसको हम कुक कर लेंगे. सॉरी. आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस, पर एक्चुअली इसका स्वाद घी से ही आता है. सो ट्राई टू मेक दिस विथ घी.
ओके सो इट्स डन. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू स्प्रिंकल सम शुगर. आपके पास गुड़ पाउडर है तो आप गुड़ पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, पर मैं शुगर डाल रही हूँ. तो बस देखिए हमारे छोटे छोटे क्यूट से ड्राई फ्रूट्स पराठा बिल्कुल तैयार है और इसको हम अभी गर्मा गर्म खा लेंगे. अभी सर्व करूंगी मैं और ये देखते ही देखते चट. सो सी ड्राई फ्रूट्स पराठा इज टोटली रेडी. छोटे छोटे क्यूट क्यूट ड्राई फ्रूट्स पराठा बिल्कुल तैयार है. इसको हम अभी सब मिलकर गर्मा गर्म खाएंगे. आप लोग भी ऐसे क्यूट रेसिपीज बनाकर बच्चों को ज़रूर सर्व करें, उनको बहुत अच्छा लगेगा. अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी खाना खाइए और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा बना. प्लीज़ शेयर इट विथ मी. आई विल फील वेरी 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 हैप्पी इफ़ यू रिक्रिएट माई आइटम्स my recipes at your home and they turn out very good. So please share it with me. You can interact with me freely without any hesitation in case of any queries also. Please do come in touch with me on my Facebook blog page Sushmita a food lover. You can write in the comment section if you have any queries, any questions, any doubts, you can write in there. You can also follow me on patnaik.sushmita on Instagram. And you can check in for various pictures of my recipes in my website. Also, you can see the preparation videos on my YouTube channel, Sushmita, a mommy chef. Please join in hands with this mommy and let's be a very happy extended family. Okay. और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें.